तो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश आंसर की क्लास 12, ठीक है, सीरीज नंबर SSJ/1। और जिनका सीरीज नंबर SSJ/2 है उनकी आंसर की अपलोड है ऑलरेडी, चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। और दूसरी बात, इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए, जो भी मैं आंसर की प्रोवाइड करता हूँ, जब CBSE की तरफ से वो आंसर की स्कूल में आ जाती है तो उसके जस्ट बाद प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है ना, उसकी फ़ोटो खींच के, ठीक है, ताकि आपको बार बार डाउट ना करना पड़े किसी क्वेश्चन में, एक ही बार में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएँ और उसके जस्ट बाद अगले पेपर की आप तैयारी करो, ठीक है। और जो टीचर आपकी कॉपी चेक करते हैं, एक बात और बताना चाहता हूँ, वो केवल आपकी OMR शीट सामने रखते हैं और साथ में जो CBSE आंसर की प्रोवाइड करती है उसको रखते हैं, बस उसी में से जो भी मैच होता है ऑप्शन 1, 2, 3, 4 मैच करके फटाफट चेक कर देते हैं, उसी दिन आपकी कॉपी चेक हो जाती है, ठीक है। तो आपको ये भी कन्फ्यूज़न नहीं रखना है कि कुछ अलग तरीके से कॉपी चेक होती है। और दूसरी बात बच्चों, एक चीज़ ये भी ध्यान में रखना, आज का सर्कुलर अगर कहीं पर CBSE से क्वेश्चन या ऑप्शन में मिस्टेक होती है तो उसके लिए उसके रिगार्डिंग कुछ सर्कुलर है, वो वीडियो देख लेना, आपके समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सीरीज SSJ/1। तो फर्स्ट का बी ऑप्शन राइट था, फर्स्ट का बी, सेकेंड का सी, थर्ड का डी, फोर का सी, फाइव का डी, सिक्स का ए, सेवन का डी, ठीक है। आगे सेवन के बाद में आगे देखो, एट का सी, नाइन का ए, टेन का बी, इलेवन सी, ट्वेल्व का डी, थर्टीन का सी, फोर्टीन का सी, फिफ्टीन का ए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो अगला फिफ्टीन के बाद में सिक्सटीन का बी, सेवनटीन का ए, एटीन का डी, नाइनटीन का सी, ट्वेंटी का बी, ट्वेंटी वन का सी, ट्वेंटी टू का डी, ट्वेंटी थ्री का बी। आगे ट्वेंटी थ्री के बाद में ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फोर का डी, ट्वेंटी फाइव का सी, ट्वेंटी सिक्स का सी, ट्वेंटी सेवन का ए, ट्वेंटी एट का सी, ट्वेंटी नाइन का बी, थर्टी का बी। आगे टोटल 60 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन तो आप देख ही रहे, आपके पास होगा 31 का सी, 32 का डी, 33 का ए, 34 का बी, 35 का सी, 36 का सी, 37 का बी। 37 के बाद में 38 का सी, 39 का डी, 40 बी, 41 सी, 42 डी, 43 में बी, 44 में ए, 44 में ए, 45 में सी। आगे 45 के बाद में 46 में ए, 47 में डी, 48 में बी, 49 में ए, 50 में डी, 51 में ए, 52 में बी, 53 में बी, ठीक है। 53 के बाद में आगे 54 में ए, 55 में डी, 56 में सी, 57 में डी, 58 में बी, 59 में सी, 60 में ए, ठीक है। तो ये आपके टोटल जितने आंसर थे 60 आंसर थे कंप्लीट हुए, यहाँ से आप मैच कीजिए, ठीक है। मैच करने के बाद में आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं रखना, ये आपकी क्लियर, ठीक है ना, स्कूल में जो आई हुई आंसर की है, जैसा कि आप देख रहे हो रेड पेन चला भी हुआ है, तो चेक करते टाइम फ़ोटो खींची गई थी इसकी, ठीक है। तो आप समझ सकते हो, आपको इस चैनल पर जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी क्लियर मिलेगी, फालतू फेक नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।